सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर मुंह की राम राम। फिलहाल मनु का इसको जो देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर गुट्ठा टेक देसी देख बिना ब्रेक आ रहे हैं। 1,000 नहीं 2,000 नहीं 3,000 नहीं 4,000 नहीं 5,000 नहीं पूरे 50,000 पोस्टर भिवानी में लग लिए। पोस्टर पॉलिटिक्स का एक्सट्रीम लेवल तम इस टाइम देखोगे। कौन था वो नेता राम राम भाई, कौन है वो नेता जिसने मतलब आ रहा है इतना जबरदस्त पोस्टर लागे भी क्रेन की जरूरत पड़ी, क्रेन तो पोस्टर लागे। फिलहाल पीछे तो हम देख रहे हो हरियाणा शिक्षा बोर्ड का मेन गेट, यू नया गेट है भाई देख लो, यू चेंज हो गया मेन, उस पर निकाल के इस साइड आ गया गेट। और इस गेट के सामने आप देखोगे राम राम भाई, ठीक ठाक भाई, इस गेट आ रहे थे अपनी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट बनाया ना भाई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है यू 8वीं की 10वीं की 12वीं की। तो फिलहाल क्रेन तो पोस्टर लागे, बड़े बड़े पोस्टर लागे और पोस्टर पॉलिटिक्स का एक्सट्रीम लेवल आपने देखने न कदे मिला नहीं होगा। तो उस नेता नाम तो प्रांत बहुत सुर्खियां में है और उस नेता के साथ आप बात करांगे बाबा। हैं हाँ दिखा दे भाई एक बार, आ जाओ और आना जा ले दिखा दे। नाम है अभिजीत लाल सिंह, यानी कि अभिजीत के पिता ठाकुर लाल सिंह और ठाकुर वीर सिंह के पोते। तो फिलहाल इस नेता के चर्चे जगह जगह हो रहे हैं और ये आप देखो इबे तो चुनाव में साल सवा साल डेढ़ साल बाकी है। एक बार राम राम आण दो भाई, तेज आण दो, बोलो देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। चलो चलने दो भाई, चर्चाओं का बाजार गर्म है। और भाई एक बात हो, करें तो पोस्टर लगेगी सारे पोस्टर करें तो ला रखे, दो चार हजार लाख जा रहा, 50,000 पोस्टर भाई से 50 लाख लाख जाओ तो बात इसी बात हो रही है। तो चलो फिलहाल हम इस मानस से मिलन जान लग रहे हैं। फिलहाल आप देखोगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और साथ में दीपेंद्र हुड्डा और अभिजीत से हम एक बात करेंगे, सीधे सवाल होंगे और जलेबी वर्गे सीधे भी और करेले वर्गे मीठे भी। अभी अभिजीत सामने, राम 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 जी, सारा ने राम राम, बहुत बढ़िया राम राम, थोड़ी तेज आण दो राम राम, तो क्यों आण दो तेज आण दो राम राम भाई साहब, राम राम जी, राम राम जी जी जी, आपके सारे दर्शकों को हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत राम राम। लेकिन है तो राम राम और स्पीड से पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर की स्पीड तेज है तो 2-4 हजार लाख जा रहे हैं भाई साहब। आप मतलब इतने पोस्टर क्रेन की जरूरत पड़ेगी भाई साहब? हुड्डा साहब हमारे हरियाणा प्रदेश का भविष्य, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी युवा दिलों की धड़कन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, तमाम हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की लीडरशिप भिवानी में आ रही है। तो हमारे लिए तो एक ये मौका है अपने नेताओं का, अपनी पलके बिछाए हम उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष का जो 8वां कार्यक्रम है। चलो जी आपके सामने की मैं बात करूं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का मेन गेट आपके सामने आ गया। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं, दिल का चोवा में तो गठड़ी बांध के परोठे भर के चोले ठोक के बोरे भर के ढेर सारे शुभकामना सामने आ गया ना, वो काम हो गया। पहले एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, यह जगह भी सुना था अपनी हार दे जी। देखिए वैसे तो जो सामने शिक्षा बोर्ड बना है, पीछे भीम स्टेडियम है, आगे आईटीआई है, इधर सदर थाना है, ये जमीन हमारे दादाजी ने और वकालत के अंदर उन्होंने अपनी मेहनत से स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के अपनी मेहनत कमाई से सारी जमीन खरीदी थी, खानदानी भी थी, परदादा जी हमारे खेती करते थे थी हमारी। पर इस चीज के अंदर अब आज जो है, आज वर्तमान में आप क्या हो, हम तो भाई साहब उस चीज पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपके देखो वो अतीत को इसलिए, अतीत के पन्ने इसलिए खोलने जरूरी है जी क्योंकि उससे बैकग्राउंड पता चलता है। आपके जो दादाजी की हम बात करा, ठाकुर वीर सिंह की हम बात करा, जब जनता दल ने पूरी बूम, जब देवीलाल का टाइम था, दौर था, उस टाइम पे आपके दादाजी कई कई मंत्रालय संभाला करते और आज आप धीरे धीरे, क्योंकि देखो विरासत में है आपके लिए एक चीज, विरासत में एक विरासत को संभालना जरूरी आ रहा है। तो क्या आपके दादाजी का जिस तरह का नाम रहा है, क्या उस विरासत को संभाल के उसको आगे बढ़ाने का काम यदि हम करा, अभी समक्ष आपके विपक्ष का परसों का कार्यक्रम भी है, उसको आपने लगा भी आपके दादाजी का जो आपके पिताजी का एक्सपीरियंस तजुर्बा आपको काम आओगा? जी जी देखिए निश्चित तौर पे मेरे को आज मैं कहूंगा मेरे पे सबसे बड़ा आशीर्वाद है तो मेरे दादाजी स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह जी जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार में रहे हैं और मेरे पिताजी जिन्होंने शुरुआत से लेकर आज तक सारा जीवन ही समाज के बीच में बिताया है।
तो मेरे को आज कहीं पे जाके ये बताने की वो परमात्मा का आशीर्वाद है कि मेरे को बताना कि इतना अलग से जोट नहीं पड़ती अब मैं कौन हूँ के किया के कर दूंगा इस डाल की कोई बात को नहीं मैं ठाकुर वीर सिंह का पोता मेरे लिए उसके अलावा इससे बड़ी कोई मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं रहती। अभिजीत भाई आपकी क्वालिफिकेशन देखिए भाई साहब मैंने तो अपने 12वीं तक की पढ़ाई मेरी भिवानी से ही हुई फिर BA LLB मैंने अपने गुड़गांव से करी फिर 2010 में अपनी पढ़ाई पूरी करते ही फिर मेरे को मेरा अपने एक जज्बा था कि मेरे को मेरे दादाजी का जो है और परिवार का जो धक्के से जिस तरह खिलजी ने जिस प्रकार से अत्याचार करे थे वहां पे रानी पद्मावती और तो उस प्रकार से हमारे को पता था कि मेरा दादाजी के अंदर काबिलियत होते होते उनको जिस प्रकार से यहाँ के जो स्वयंभू नेता अपने आप को मानते हैं या उनके परिवार में जो नहीं रहे उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे दादाजी का जो एक आत्म सम्मान होता है उसको तोड़ने की कोशिश करी थी और मेरे लिए गर्व की बात है कि वो ना कभी किसी के आगे झुके और ना उनका कोई आज तक इस धरती के ऊपर आत्म सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचा चुका है। अभिजीत भाई आपने स्वयंभू की बात करी और आत्मबल और आत्मविश्वास की बात करी ये तो इलेक्शन बहुत दूर है 1.5 साल 1.5 साल पड़ा है लेकिन जो टिकटम बाजी और जो टिकटम बाजी ना उसके ट्रेलर शुरू हो गए हैं और उस ट्रेलर की बात करें तो कई बार कुछ होता है एक तो आ रहा है सर्वसम्मति एक हो रहा है शंभू ये आपने पोस्टर इतने लगवा दिए मतलब आपकी जो पार्टी के और चेहरे हैं उनका तो एक बार तुम भड़कते हो या पोस्टर ने बिठा रखी है तो यू मतलब या ये जो 50,000 पोस्टर लगे हैं ये अच्छी बात थोड़ा भाई साहब आपकी। देखिए भाई साहब मैं आपको इस चीज के लिए कहना चाहूंगा सबसे पहले इन सारी चीज के लिए मैं अपने तमाम जो मेरे टीम के साथी हैं हमारे बीच में उपस्थित है सबकी हमारी एक टीम की मेहनत है तो अगर इस चीज के बधाई के पात्र हैं तो मेरी टीम है मैं इस चीज के अंदर मतलब इन सारा श्रेय मेरे साथियों को देना चाहूंगा। दूसरी बात क्या है भाई साहब मेरा इस चीज के अंदर देखो मेरी आदत है मैं कोई चीज को ना चरम पे जाके करना नहीं चाहता हमें लिमिट को चीज को लिमिट में ही करना चाहिए। तो भाई सब यह बात आपके मुंह तो अच्छे लगी क्योंकि ये 50,000 और लाख लगवाना चाहोगे क्या? परमात्मा करे लाख भी लगवाओ भाई साहब हुड्डा साहब के लिए लोगों का प्यार ही इतना है एक्सट्रीम लेवल भाई साहब पोस्टर पॉलिटिक्स का एक्सट्रीम लेवल देख रहा हूँ कारण को नहीं पूछे आपने के बात होगी थी भाई इतनी किस तरह मतलब आज हमारे शहर के अंदर जो टी पोल लगे हुए थे लगभग 15-20 टीपोल शहर के अंदर थे सबका ये था 9 तारीख की विपक्ष आपके समक्ष है हुड्डा साहब के नेतृत्व में 8 तारीख को पोस्टर लगवा लेंगे सारे मिल भाई मिल बांट के खा लेंगे एक दो भाई साहब क्या है कि अपना अपने सोचे पोस्टर लगवाते टिकट मिल जाए ना तो भाई साहब मैं चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब पूरे देश में लगवा दूं मैं कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अच्छा ये आपने मतलब अच्छा ये मतलब नू टकरम टकरा हुए फिर एक आदमी ने सारी चीज के ऊपर कब्जा करने का कोशिश करा फिर बचा कुछ पे दूसरे हमारे आदरणीय है एक अंकल जी वो करके बोलिए बेटा तू भी लगा लिया मैं कहा मन में बख्श दो मैं आप पर लगा लो मेरा किसी टीपोल पे नहीं पाएगा भाई साहब आखिरी में किस तरह करके हमने और जगह ढूंढी लोगों से अपने भाईचारे पे करके और फिर उसके बाद टीपोल भी आ गए गुब्बारे भी आ गए होर्डिंग भी आ गई पाट भी गई लाग भी गई और इवन 9 तारीख थी चले जाएगा। चलो आपने एक बात बता दी देखो हमारे पे तो गुप्त सूत्र काला धोला पीला हैं बर्थू बर्थू सारे हुए गुप्त सूत्र तो नू भी जो आपके जो पोस्टर लगे नहीं ऊपर आपका जो इस लेवल तक की हम बात कर रहा हूं भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा तक एक मैसेज आपका बहुत मजबूत जा रहा है वो नू जा रहा है बोले भाई एक छोरा है अभी जीत जी ना है पूरा भिवानी में यदि आपके पोस्टर देखो तो साथ में दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा के पोस्टर हम तो भाई साहब ये देखो ये फोटो दिखाऊं मैं कैमरे में ये है हमारा तो सब कुछ देखो यो जी यो हरियाणा का भविष्य ये हमारे ख्याल हरियाणा का वर्तमान ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इब फोन पे मैसेज में भी नू भेज देना के तने मारे खातर जान देनी है तो मैं 1 सेकंड 2 सेकंड तक मिनट के चौथे समय उन खातर दे सकूं मतलब डेडिकेशन है भूपी खातर दीपू खातर दोनों खातर हमारी तो राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ शुरू हुई थी भाई साहब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले मेरे दादाजी की राजनीति थी भजन लाल जी के साथ भजन लाल जी ने पार्टी अपनी अलग बनाई हजका उसके बाद मेरे दादाजी ने मना किया पर वो कांग्रेस में बने रहे पर हम नेता विहीन हो गए। अच्छा अच्छा मेरे दादाजी की फिर 2007 में मृत्यु होने के बाद हुड्डा साहब यहाँ पे भिवानी में महाराणा प्रताप जयंती बनाई थी 7 जून 2007 को हुड्डा साहब को इनवाइट करा था उन्होंने हमारा खुली भावों से आमंत्रण स्वीकार करा उस दिन का दिन है उस दिन वो भिवानी आए मेरे दादा ठाकुर वीर सिंह के नाम पे पार्क की घोषणा करी इस सड़क के ऊपर भिवानी के दो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं
अपने चौधरी बंसीलाल और बनारसीदास गुप्ता जी हमारे सम्मानित, और एक इस पे हमारी कोठी हमारे दादाजी की भी जो मेहनत पसीने से बनाई है, ठाकुर बीर सिंह की कोठी भी है दुर्गा पैलेस, नाम इसका है ठाकुर बीर सिंह मार्ग। और फिर क्या दिक्कत आएगी फिर आपको उसमें? दिक्कत नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुड्डा साहब के साथ जुड़े है, उन्होंने हमारे दादा का मान सम्मान करा, उसके बदले में जीवन में जो चाहेंगे वो करेंगे उनके लिए। अच्छा एक चीज, कई जनों को ऐसे लगता है, मैं आपको बताना चाहूँ, कई जनों को भिवानी के अंदर ये लगता है कि भिवानी के अंदर कांग्रेस के तो जो नेता है वो हम हैं। ठीक है, आप रहो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अब भाई साहब 2010 से लेके 2013 है, मैंने अपनी जी जान पार्टी के लिए लगाई, यूथ कांग्रेस की लगाई, आज मैं वरिष्ठ कांग्रेस में दीपेंद्र जी की वजह से प्रदेश संयोजक हूँ। हमारे यहाँ पे कांग्रेस की पिछली बार कैंडिडेट की जमानत जब तो उनके वोट आए 18,000 वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने कैंडिडेट बने। उससे पहले जब चुनाव हुआ कांग्रेस का कैंडिडेट नीचे तो आया ऊपर पहले नंबर पे, उसकी जमानत जब। हमारी यही मांग है हाईकमांड से भी, नेताओं से भी, कि जो आप अपना सर्वे करवा के देखो, सर्वे में हमारा नंबर हो रहा है 20-30% ऊपर हो तो आप मान लियो कि भाई तू डिजर्व करता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा अभिजीत भाई, जो इस टाइम बयानी की जो देखो पोस्टर जो इतने लगे, परसेप्शन जो है, अकेला बयानी की बात नहीं कर रहा मैं, इस बयानी के रुक के दूर तक जा लिए, इतने पोस्टर लागे सारे नुकान लागे, कांग्रेस आने लग रही है भाई, ऐसा काम हो रहा है? मतलब ये पोस्टर इतने लग गए, नुकान लागे, बयानी देख लो ना, कांग्रेस आओगे भाई, कांग्रेस आओगे हरियाणा में। मतलब आपने परसेप्शन चेंज कर दी, इतने पोस्टर लगवा दिए, इनका घीसा गल गया, दीपूगर पुप्पी का है, भूपेंद्र का है और दीपेंद्र हुड्डा का, की गल रहा है इस टाइम बयानी की उस हालात में देखे ऐसा काम होगा, कांग्रेस आने लग रही है रास्ता में भी तो करेंगे भाई साहब, 9 तारीख ने भी तो करेंगे, आज आप जल्दी आगे, नहीं तो 9 तारीख को भाई साहब मैं आपको बता सकता हूँ भिवानी के अंदर इन्हें एक भी सड़क एक भी गली इन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता तो खाली नहीं रहोगी। और हम उस चीज में भी जितने पोस्टर लगाए ना भाई साहब, उससे 21 को नहीं रहा उसमें तो बता दियो, नहीं मारी ये होगी जितने पोस्टर उससे 5 गुना फालतू आ गया। मतलब इसको ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, इंटरवल मान रही है। अच्छा एक चीज देखो, एक जो बहुत बड़ा सवाल है हर राजनीतिक दल का, यूं जो दल है वो दल दल हो गए, गुट गुटम गुट हो गए, आड़े भी कुटुम गुट हैं हर पार्टी में है, लेकिन आपकी जब हम बात करें तो आपकी एक परिवार के लिए बेरन तो खानदानी दुश्मन ये बेरनी कौन सी है? यदि चौधरी बंसीलाल परिवार की मैं बात करूं, वोड़ा ब्लड ग्रुप नहीं मैच हो रहा आपका, देखिए कारण के कारण यही है कि इस चीज का बंसीलाल जी की और हमारे दादाजी ठाकुर बीर सिंह जी की मित्रता थी, आपस में मन मुटाव हो गया छोटी बात पे, और उसके बाद फिर लड़ाई एक अहम की बन गई के बंसीलाल जी को ये था कि ठाकुर बीर सिंह वैसे ही जैसे पहले आते थे मेरे घर पे, ठाकुर बीर सिंह जी को ये था, हाजिरी नहीं दोस्ती थी। चुनाव भी साथ में तो मिलके ये लड़ाई कर गया बीच में, वो हमारे जो दादाजी के चाचा जी थे उन्होंने उनका हाथ उनके ऊपर उठ गया था, तो इस वजह से फिर दोनों दोस्तों में थोड़ी सी वो आ गई, फिर उसके बाद वो एक दूसरे से अलग अलग हुए, तो एक आत्म सम्मान और अहम की लड़ाई थी। दादाजी कहते थे बंसीलाल जी जैसे घर पे पहले आते थे वैसे आए, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले हमारे घर पे आए थे। इब्नू हो गया कि वो फिर केंद्र में मंत्री बने, प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उनको यूं था कि जब मेरे नाम से घास अगर जलती है तो फिर ठाकुर बीर सिंह को मैं क्यों नहीं ला पाया, उल्टा अपने घर पे मजबूर तो, करके तो दूरी इतनी बन गई भाई बंसीलाल की। यदि हम पोत्री की बात करा श्रुति और ठाकुर बीर सिंह के पोते की बात करा पोत्र की बात करें तो अभिजीत, या दूरी इतनी बन गई भाई वर्सिज बन गया वर्सिज श्रुति वर्सिज भाई साहब, वो आज क्या नाम है सांसद रही है हमारी। हाँ। मेरा वर्सिज वाला है तो भाई साहब हम आदमी है कौन है। हाँ। वर्सिज क्यों, मतलब आपका देखो कहो एक सोच है भाई साहब जी कर्मो जी। हाँ। जो भी कोई है आप अपने विचार आप अपने तक सीमित रख के आप खुद पॉजिटिवली चलिए, किसी से कोई बात है आप अपनी लकीर बड़ी कर दो, 2 फुट बड़ी कर दो, 3 फुट कर दो, जुबान तो बोल के और लड़के के है, ठीक बात है अपना मेहनत करो। हाँ, जो लोगों के बीच में रहेगा चाहे वो किसी का पोता किसी की पोती हो, लोग की दुख तकलीफ में अगर समस्या की उनकी सुनेगा उनके बीच में रहेगा भाई साहब वो है। अच्छा दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा तक भी यह वीडियो पहुंचेगी, लाइव चल रही है, तो जो तारीख अपने 9 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आप बताओ एक बार किस तरह करा हुआ। मेरी सभी भिवानी वासियों से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा वासियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाली 9 जुलाई को भिवानी की नई अनाज मंडी में विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी एवं युवा दिलों की धड़कन जिनको मैं हमेशा शक्ति एवं शालीनता का प्रतीक बोलता हूं, माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से और खास करके
प्रदेश के उन किसानों से, उन कर्मचारियों से, उन माताओं से, उन युवाओं से, उन छात्रों से, उन सरपंचों से, उन पंचों से, जिनके अधिकार का हनन करने का सरकार ने काम किया है, वो सब आए। जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष लोगों के बीच में आ रहे हैं और लोगों की बात सुनने आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे लोग उनको बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और भिवानी का व्यापारी वर्ग हो चाहे 36 बिरादरी हो, भिवानी में अगर किसी ने किया, मैं कल भी एक बात कह रहा था कि अगर भिवानी में मेडिकल कॉलेज आया, हुड्डा साहब की देन, जेल के आगे पुल बना, दीपेंद्र हुड्डा जी की देन, ठाकुर बीर सिंह मार्ग बना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन, बीडी गुप्ता पार्क बना, हुड्डा साहब की देन, जो टीआईटी के आगे पुल बना, हुड्डा साहब की देन, यूनिवर्सिटी बनी, हुड्डा साहब की देन, तमाम यहाँ पे जितने भी विकास कार्य हुए थे हुड्डा साहब की वजह से हुए थे, और कुछ कमी रहेगी वो आने वाले भविष्य में पूरी कर देंगे। चलो कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल से जब तजुर्बेकार लोगों की हम बात करें तो ये मासे जी बैठे हैं, आपने अपनी जिंदगी में इतने पोस्टर लगे देखे थे बयानी में? ना भाई, पहली बार है। ऐसा है जी, ये पोस्टर जो लगे है ना, वो पोस्टर इसलिए लगे है कि ये उसका हकदार है, ये योग्य है। जी जी जी। अब जैसे इनके दादाजी ने भिवानी की सेवा की, ये उसी तर्ज पे चल रहा है। ना जी, जी जी जी। हाँ जी, इतने पोस्टर ऐसे कुछ गणे नहीं होगी जी, ज्यादा पोस्टर तो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है जी, ये इनकी लोकप्रियता का वो है। जी जी। आप जब देखोगे 9 तारीख को इतने आदमी होंगे, इतने आदमी होंगे, लोगों की गिनती नहीं होगी। इस प्यार को क्या नाम दे? चलो बड़का पूछा है, मैं नौजवान साथी बैठे भाई, इतने पोस्टर लाके इस प्यार को क्या नाम दे भाई? अभिजीत लाल सिंह है भाई, अभिजीत लाल सिंह। इस प्यार को क्या नाम दे? इस प्यार को क्या नाम दे भाई? चलो ये है भाई, नेक्स्ट टाइम एमएलए भिवाड़ी पूरा ओसावा, ओसावा ओसावा में भाई में अभिजीत लाल सिंह भावी विधायक भिवानी। देखो ये प्यार है युवाओं का, देखो सब अपने अपने नेता से प्यार करें भाई, और ये प्यार के अंदर जो बात कर रहे हैं, ये दिल की इनकी भावनाएं हैं भाई, ये विधायक बने। लेकिन इतने पोस्टर जिंदगी में तो हमने देखे थे किसी के लगे? पूरा हरियाणा में रुका पड़ गया भाई, कांग्रेस आओगी जो पोस्टर इतने लाग गए। चलो पोस्टर इतने लाग लिए हैं, परसेप्शन तक चेंज हो रही है। आप एक बार चलो, मैं आपने दोबारा तय हरियाणा शिक्षा बोर्ड का वो गेट जो नया गेट बनाया है और उसकी तरफ लेकर जाऊंगा। फिलहाल ये जो नेता है, इस नेता ने अभिजीत लाल सिंह ने वह चीज एक माहौल पैदा कर दिया जिस भिवानी का खुड़का रुका, पूरा हरियाणा में जा रहा है भाई, इतने पोस्टर लग लिए हैं, तो इसका मतलब नुकारा पूत के पापा दिख जा रहे हैं। थम भी कमेंट करके बताइयो, ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स करें तो 50,000 पोस्टर लगवा दिए भिवानी के अंदर। यूट्यूब पर जो हमारी वीडियो आओगी उसमें हम रिकॉर्डेड सीन भी आपने डाल के दिखावांगे पूरा भिवानी। आपके रिश्तेदार ने फोन करके पूछ लो आप भिवानी में क्यों हो रहे हैं, चुकरदा अभिजीत लाल सिंह, अभिजीत लाल सिंह के पोस्टर लगे पाओगे, कितने छोटे कितने बड़े, कितने दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर, मतलब मन ने भी किसी नेता के इतने पोस्टर एक साथ कदे नहीं देखे थे। मैं भी भिवानी के अंदर जी पहुंचा हूँ तो मेरे पास जब गुप्त सूत्रकार ने बताई, बोला जी यूके देखियो जी क्यों रहा के चढ़ा पैट रहा, तो यू था अभी इतने पोस्टर किसी ने लगवा रखे हैं, नाम है अभिजीत लाल सिंह, रुका पड़ रहे हैं। और पूरा आप रिश्तेदारी में फोन करोगे तो इस बारे में आपने बताऊंगे, बोले घने पोस्टर लग रहे हैं भाई, अत्य ज्यादा एक्सट्रीम लेवल है पोस्टर पॉलिटिक्स का जो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।